सीएम शिवराज का चुनाव से पहले एक और नया फैसला, अब एमपी में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। लाडली बहना को एक बार फिर मामा की तरफ से तोहफा, चुनाव से पहले बीजेपी का क्या है पूरा मास्टर प्लान। जल्द होगी महिलाओं की राशि में वृद्धि, राज्य सरकार का कहना अब 1500 की जगह 3000 रुपए आएंगे खाते में। एक तरफ बीजेपी ने वोटर्स पर फेंका पासा, तो इधर कांग्रेस ने भी धिरकाए अपने कदम, जानिए बीजेपी के इस बदलाव का किसे मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के चेहरे पर एक बार फिर खुशी लाने की ठान ली है, चुनाव से पहले नए नए योजना निकालने जा रहे हैं। इस बार सीएम शिवराज ने नया मास्टर प्लान बनाया है, महिलाओं को नौकरी के लिए 35% आरक्षण देने का फैसला लिया है। सिर्फ वन विभाग को छोड़ के सभी विभागों को इसका लाभ मिलेगा। मामा ने एक बार फिर लाडली बहनों को बड़ी सौगात दे दी है। यह कदम सरकार ने महिलाओं को मजबूत और खुद पर आत्मनिर्भर बनने के लिए उठाए हैं। सीएम के इस निर्देश के बाद सरकारी नौकरी में महिलाओं का कोटा निश्चय हुआ है, यह कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी शिवराज सरकार अपनी लाडली बहनों के लिए खास निर्णय ले चुके हैं। लाडली बहना योजना के तहत शिवराज प्रति महीने महिलाओं के अकाउंट में 1500 रुपए ट्रांसफर करते हैं। वहीं मामा ने साफ कहा है कि आगे चलकर ये रकम बढ़ जाएगी, जिसके बाद उन्हें 3000 मिल सकते हैं। साथ ही बोले कई चरणों में इस योजना के तहत पैसों में बढ़ोतरी होगी। बात कुछ ऐसी है कि एमपी में चुनाव का दौर आने वाला है, केवल 3 महीने का समय बचा है, सभी पार्टियों ने अपने अपने कमर कस लिए हैं। एक तरफ बीजेपी एक के बाद एक घोषणा करके अपने कदम जमा रही है, तो कांग्रेस भी कुछ कम नहीं, अपने वचन दिए हुए लिखित पत्र में महिलाओं को एक अटल स्थान दिला रही है। ऐसे ही दोनों पार्टी महिलाओं को नहीं इतना प्रमुख बना रही। अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में कुल 3 करोड़ से भी ज्यादा महिला वोटर है, जिस वजह से दोनों पार्टी अपनी जी जान लगाकर महिलाओं का वोट अपने मुट्ठी में लाना चाह रहे हैं। ये जानते हैं जब तक इनकी जीत की चाबी महिलाओं के पास है, जिसके कारण इन्हें चुनाव से पहले पूरा भरण पोषण करके खुश करना चाहते हैं, ताकि वे अपना सिक्का जमा सके। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को ठेंगा दिखाने की रणनीतियां बनाने में लगी हुई हैं। अब बस देखने का इंतजार है, बीजेपी की चुनौतियां रंग लाती है, क्या कांग्रेस उन पर उल्टा वार कर देगी। हालांकि अभी कुछ कहना मुश्किल है, मगर बीजेपी की जैसी चाल है, इससे साफ समझ आ रहा है कि कांग्रेस को मुंह छिपाने की जरूरत पड़ने वाली है। बाइक के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस विश्वकर्मा पूजा टेकरीवाल मोटर्स गोड्डा आपके लिए लाया है हीरो बाइक के 3 नए मॉडल, जिसमें करिश्मा XMZ, पैशन प्लस और स्प्लेंडर एक्सटिक। गोड्डा के सबसे पुराने और आपके भरोसे का शोरूम टेकरीवाल हीरो शोरूम, लेटेस्ट डिजाइनों का एक ऐसा शोरूम जहां हीरो के सभी तरह के बाइक मिल जाएंगे, EMI से लेकर एक्सचेंज ऑफर तक टेस्ट राइडिंग के साथ उपलब्ध। अगर आप भी बना रहे हैं नई बाइक लेने का मन, तो देर किस बात की, जल्दी करें। हीरो टेकरीवाल शोरूम, नियर नहर चौक, भतडीहा, गोड्डा, झारखंड।